हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जीके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के लिए एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है आपका नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जितने भी नेशनल पार्क हैं इंडिया में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको जो है सभी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स के बारे में जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देने वाले हो, या फिर सपोज अगर अपने स्टेट के स्टेट का जो भी आपका स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर अगर और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे आपका जीके का पोर्शन आना है, तो ये वाला जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस पार्ट मैंने करवाए हैं, प्रीवियस जो जीके क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, वो आपको सभी एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक अपलोड करी हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उनको भी एक बार जरूर देख लेना। मैंने जितने भी टॉपिक्स करवाए हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एम्स वालों का जैसे एग्जाम अभी 12th June को है, तो वो जीके को थोड़ा थोड़ा करते रहे जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, तो वो उनके काफी ज्यादा हेल्पफुल मतलब हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपना पीसीबी पर फोकस करो, बाकी जीके के लिए जितना मटेरियल हो पाएगा उतना मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा। उसमें से जो भी चीजें अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीके के लिए मतलब हम लोग श्योर बिल्कुल भी नहीं कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं मैं सभी पर क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जो नेशनल पार्क्स के बारे में देखने वाले हैं, तो हम इसको जो है ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो ट्रिक की हेल्प से जो है सभी स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को आपने याद करना है। तो अभी जैसे ही हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, आप जो है अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, सो दैट जो चीजें मैं आपको अभी यहाँ पर बताने वाला हूँ वो आप जो है नोट करते जाएं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप खाली वीडियो देख लोगे और आपको ये याद हो जाएंगे, आपको एक बार लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेट की हम लोग बात करते हैं वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के जो भी नेशनल पार्क है उनके बारे में देखने वाले हैं। तो आपको ये एक स्टेटमेंट याद रखना है कि वेस्ट बंगाल की जल परी न्यूरा सिंगल, ठीक है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्या वेस्ट बंगाल की जलपरी न्यूरा सिंगल है और बड़ी ही सुंदर और गोरी बॉक्सर है। आप ये स्टेटमेंट याद रख लोगे। अब आपको इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे होंगे। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल याद रहेगा कि ये भाई इस स्टेटमेंट में आ रहा है, तो हम लोग वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। अब जलपरी से जो है यहाँ पर जल्दा पारा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो जल्दा पारा नेशनल पार्क जो है वो आपको वेस्ट बंगाल में हो गया। उसके बाद न्यूरा, ठीक है, जो न्यूरा अभी सेंटेंस में आया वो न्यूरा वैली नेशनल पार्क है। उसके बाद सिंगल का सिंगालिया नेशनल पार्क है, और उसके बाद सुंदर से आपका सुंदरबंस नेशनल पार्क हो गया, गोरी से आपका गोरुमारा नेशनल पार्क हो गया, और बॉक्सर से बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, इतने छोटे से स्टेटमेंट से आपने 6 नेशनल पार्क याद कर लिए। ठीक है, तो देखो अगर इस टॉपिक पे आप थोड़ा भी फोकस करोगे, आधे घंटे इसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब आपका एग्जाम जब भी हो, चाहे स्टेट बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड वालों का हो, यूपी वाला का हो, या किसी और अदर स्टेट का एग्जाम हो जिसमें आपका जीके पूछा जा रहा है, तो उससे अगर 3-4 दिन पहले जो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लोगे तो वो आपके दिमाग में रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है, यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। ठीक है, तो यूके यानी कि उत्तराखंड, यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए, ये आपको याद रखना है। अब यूके से उत्तराखंड आपको याद रहेगा सेंटेंस में जब आ रहा है, राजा जी से, राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद गोविंद से आपको जो है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हो गया, फिर नंदा देवी से नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, और गंगा वैली से आपको गंगोत्री नेशनल पार्क याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है गंगोत्री नेशनल पार्क के बाद जो है जो इसमें वैली आ रहा है, गंगा के बाद वैली जो आया है वो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और उसके बाद जिम से आपका क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जो है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, जो कि रामनगर उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जो है नेशनल पार्क इन्होंने दिया है। तो यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट याद रखना है वो है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर है। ठीक है, ये याद रख लोगे, तो दुधवा नेशनल पार्क जो वो आपका यूपी में है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वो है त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा के लिए आपको स्टेटमेंट जो याद रखना है वो है, राजवीर वॉज हंटिंग लेपर्ड इन क्लाउडेड त्रिपुरा। ठीक है, तो राजवीर कोई लड़का है, वो क्या कर रहा था, लेपर्ड का शिकार कर रहा था क्लाउडेड त्रिपुरा में। त्रिपुरा मतलब बादलों से घिरा हुआ जो त्रिपुरा है वहां पर। ठीक है, तो इसके जो नेशनल पार्क हो जाएंगे वो आपका
पहला राजबीर, राजबीर जो यहाँ पर दिया वो राजबरी है, ठीक है। और राजबरी का मतलब क्या होता है, जो बाइसन होता है, बाइसन एक एनिमल होता है, ठीक है। बाइसन इज लाइक मतलब कुछ कुछ जैसे देखने में बुफेलो जैसा होता है, देख लेना, ठीक है। शायद उसको हिंदी में नील गाय बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ये बाइसन है, तो ये बाइसन नेशनल पार्क है, और उसके बाद उसे राजबरी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और उसके बाद है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपका कुछ अगर ऐसा डाउट है कि सपोज अगर यूपी में ये वाला भी नेशनल पार्क है लेकिन ये इस लिस्ट में ऐड नहीं है, तो अगर कुछ ऐसा है कि सपोज कुछ नेशनल पार्क यहाँ पर मिसिंग रहते हैं, तो भी क्या है, आपने अगर इतने भी नेशनल पार्क याद कर लिए तो क्या होगा कि जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा है, आपने इतने सारे जब नेशनल पार्क ऑलरेडी पढ़े होंगे और उसमें कुछ सपोज नया नाम आ जाता है, तो बाकियों को आप करेक्ट जो है करेक्ट वे में एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेट है हमारे पास तेलंगाना, ठीक है। तो हरी एंड ब्रह्मानंद ईट्स चिकन इन तेलंगाना, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट दिया है, हरी और ब्रह्मानंद कोई दो लोग हैं, ठीक है, तो वो चिकन खाते हैं, और कहाँ पे, तेलंगाना में। तो यहाँ पर चिकन इज लाइक कि चिकन को हिंदी में मुर्गा बोलते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग जो यहाँ पर इसका नेम भी दिया है, तो ठीक है। पहला वाला जो यहाँ पर नेशनल पार्क है वो है महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। तो हरी से जो है वो हरिणा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क। उसके बाद क्या है, ब्रह्मानंद से आ रहा है करू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और उसके बाद मुर्गा से आ रहा है मुर्गावनी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो है इंदिरा गेस मुक्ति टू मैनर मैनर लेस गुंडा स्वामी, ठीक है। तो इंदिरा है कोई और उनको जो इंदिरा जो कि मतलब इंद्र जो है वैसे तो गॉड को बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है क्या देते हैं, मुक्ति देते हैं, मुक्ति टू मैनरलेस गुंडा स्वामी, ठीक है। तो गुंडा स्वामी कोई है एंड ही इज मैनरलेस, ठीक है। और उस इन अन्नामलाई ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तो अन्नामलाई एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पर जो है क्या करते हैं, इंदिरा मुक्ति देते हैं किसको, मैनरलेस गुंडा स्वामी को। तो इससे जो है हम लोग कौन कौन से पार्क याद करेंगे, इंदिरा से हमारा हो गया इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद मुक्ति से हो गया मुगुर्थी नेशनल पार्क, फिर है गल्फ ऑफ मैनर मरीन नेशनल पार्क जो कि आपका मैनर से हो गया, और उसके बाद जो है फिर आपका गुंडी नेशनल पार्क, ठीक है। तो गुंडा स्वामी से जो है गुंडी नेशनल पार्क याद रखना है, और उसके बाद जो है मधुमलई नेशनल पार्क जो कि आपका अन्नामलई से याद हो जाएगा, ठीक है। तो मधुमलई नेशनल पार्क भी ये आपका कहाँ पे हो गया, तमिलनाडु में हो गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास सिक्किम, ठीक है। तो कंचन वेंट टू सिक्किम टू विजिट जू, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो इससे जो नेशनल पार्क है वो है आपका खांगचेन जोंगका नेशनल पार्क, ठीक है। तो कंचन वेंट टू सिक्किम टू विजिट जू, तो खांगचेन जोंगका नेशनल पार्क, ये आपका इसका नेशनल पार्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास राजस्थान, और यहाँ पर भी काफी सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो आपको याद करना है वो है सरिता ईट्स बनाना दैट इज केला, ठीक है। तो बनाना को हिंदी में केला बोलते हैं, एंड सॉ अ लायन इन डेजर्ट ऑफ माउंट आबू पार्क राजस्थान एंड रन ड्यू टू फियर, यानी कि डर, ठीक है। तो ये हो गया। अब सरिता से आपको जो है नेशनल पार्क याद रखना है वो है सरिस्का नेशनल पार्क, ठीक है। और बनाना दैट इज हम उसको हिंदी में केला बोलते हैं, तो क्योलाडो नेशनल पार्क हो गया। और उसके बाद जो है डिजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, और फिर डिजर्ट से डिजर्ट हो गया यहाँ पर, फिर माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट जो है एंड रन ड्यू टू फियर था, तो रन से आपका रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया। और उसके बाद फियर को हिंदी में जैसे डर बोलते हैं, तो दर्रा यानी कि दर्रा नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि मुकुंद्रा हिल्स में, ठीक है। तो ये छह नेशनल पार्क आपके राजस्थान के हो गए। फिर नेक्स्ट स्टेट है आपका ओडिशा, तो ओडिशा भीतर यानी कि इनसाइड से सिंपल है, ठीक है। तो ओडिशा जो है वो क्या है, अंदर से सिंपल है, और मतलब अंदर मतलब इनसाइड, भीतर, ठीक है। भीतर इस मतलब भीतर का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा वो आपका इनसाइड होगा, ठीक है। तो उसी से भीतर से आपका हो जाएगा भीतर कनिका नेशनल पार्क, और उसके बाद जो है सिंपल से हो जाएगा आपका सिंपलीपल नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेरे पास नागालैंड, तो नागालैंड के स्टेटमेंट जो आपको याद करना है, नागो का नाटक शुरू हो गया। नागो इज लाइक कि वहां की जो ट्राइब है नागास या जो नागा पीपल होते हैं, ठीक है, तो उनका नाटक शुरू हो गया। नाटक मीन्स कि वो लोग सपोज अगर ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो उससे स्टेटमेंट को यहाँ पर रिलेट किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा मतलब जो नेशनल पार्क होगा वो होगा आपका टांकी नेशनल पार्क, ठीक है, या इन टांकी नेशनल पार्क, तो ये चीज याद रखना। और उसके बाद जो है मिजोरम,
तो मिजोरम के लिए स्टेटमेंट जो याद रखना है वो है, मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुनसुक वांगड़ो, दैट इज थ्री इडियट्स का आपको पता है फुनसुक वांगड़ो के मेन कैरेक्टर था, ठीक है, फुटबॉल खेलता है। तो मिजोरम के मुरली माउंटेन में फुनसुक वांगड़ो फुटबॉल खेलता है। तो इसको कैसे याद करना है इसके नेशनल पार्क को, पहला है हमारे पास मुरलेन माउंटेन नेशनल पार्क जो कि मुरली माउंटेन से हो जाएगा, और उसके बाद जो फुनसुक वांगड़ो है वो हो जाएगा आपका फुआंगपुर ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास मणिपुर, तो मणिपुर के लिए हमें स्टेटमेंट याद करना है, मणिपुर का बहादुर सिपाही केबल वाला निकला, ठीक है। तो मणिपुर का जो सिपाही था बहादुर सिपाही वो कौन निकला, सिपाही केबल वाला निकला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका सिपाही से हो जाएगा सिरोही नेशनल पार्क, और केबल से हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेघालय, तो मेघालय से स्टेटमेंट जो है वो आपका मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग जाता है, ठीक है। तो मेघा कोई मतलब लेडी है एंड उसका जो चाइल्ड है दैट इज बालक हिंदी में बोलते हैं, तो डोर नॉक करके भाग जाता है, यानी कि डोर पे नॉक करता है और फिर वो चला जाता है। तो यहाँ पर जो है बालक से आपका हो जाएगा बाल फाक्रम नेशनल पार्क, एंड नॉक से हो जाएगा आपका नौकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, तो इसके लिए स्टेटमेंट जो वो है संजय चंदन एंड गुगामल प्ले तंबोला इन नावेगांव ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये याद करना आपको, संजय चंदन से हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क एंड चंदोनी नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये दो नेशनल पार्क हो गए, उसके बाद गुगामल हो गया, ठीक है। तो गुगामल भी इन्होंने कोई कैरेक्टर रखा है, तो गुगामल नेशनल पार्क हो गया, और उसके बाद तंबोला से हो गया आपका तडोबो नेशनल पार्क, और उसके बाद नावेगांव से हो गया आपका नावेगांव नेशनल पार्क, ठीक है। कहां पर है सभी, महाराष्ट्र में। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास झारखंड, तो झारखंड के लिए और जो स्टेटमेंट है वो है झांसी की रानी का बैटल। अब झांसी यहाँ पर जो है खाली स्टेटमेंट को स्टेटमेंट में झारखंड के लिए यूज किया गया है, तो ऐसे दिमाग में कहीं कंफ्यूजन मत रखना कि तो झांसी लिखा है एंड झांसी जो है वो यूपी में है, तो हम लोग जो नेशनल पार्क याद करेंगे वो यूपी वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है इस चीज को डिस्टिंक्ट रखना, ठीक है। तो झांसी की रानी का बैटल यानी कि यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, बीतला नेशनल पार्क, कहाँ पे, झारखंड में। फिर हमारे पास मध्य प्रदेश, ठीक है। तो संजय और माधव अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने पांच पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से, काफी सारे नेशनल पार्क है यार एमपी में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर बड़ा सा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 नेशनल पार्क है, क्लियर। तो स्टेटमेंट है संजय और माधव अपने भाई बंधु कान्हा से मिलने पांच पैसे लेकर पान खाते हुए सैटरडे को वन से मंडल विहार दैट इज मध्य प्रदेश गए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो नेशनल पार्क है हाईलाइटेड वर्ड संजय, यानी कि संजय नेशनल पार्क, फिर आपका माधव नेशनल पार्क है, फिर बंधु से आपका बंधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा से कान्हा नेशनल पार्क है, पांच से हो गया आपका पेंच नेशनल पार्क, और उसके बाद जो है पांच से हो गया आपका पन्ना नेशनल पार्क, उसके बाद सैटरडे से हो गया आपका सतपुरा नेशनल पार्क, और वन से हो गया आपका वन विहार नेशनल पार्क, फिर मंडल विहार जो लिखा है वो हो गया आपका मंडोला प्लांट फोर्सेस नेशनल पार्क। तो इतने जो नेशनल पार्क हैं ये आपके कहाँ के हैं, ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं केरला पे, ठीक है। तो केरला के लिए भी आपको थोड़ा सा बड़ा सा स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा, 6 नेशनल पार्क यहाँ पे। तो स्टेटमेंट है शोले की पद्मिनी और इंजीनियर रवि का साइलेंट प्यार अन्ना ने मिठाई और करेला खा खाकर मंजूर किया, ठीक है, एंड शोले का कनेक्शन, क्लियर। तो शोले की पद्मिनी मतलब जो शोले में कोई कैरेक्टर है पद्मिनी, ठीक है, और इंजीनियर रवि, तो इनका जो है साइलेंट प्यार जो है वो किसने स्वीकार करा, किसने एक्सेप्ट करा, अन्ना ने करा, कैसे, मिठाई और करेला खाकर, क्लियर है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर नेशनल पार्क है वो है पंबादुम शोला नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि आपका शोले से हो जाएगा पंबादुम शोले नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि आपका इंजीनियर रवि से एराविकुलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि आपका साइलेंट से हो गया, और उसके बाद प्यार से आपका पेरियर नेशनल पार्क हो गया, और उसके बाद अनामोड़ी शोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो है ये आपका ये अन्ना से हो गया, ठीक है। फिर आपका कौन सा है मथी केटन शोला नेशनल पार्क, तो मथी केटन आपका जो है आई थिंक मतलब ये है कि इन दोनों में अगर शोले आ रहा है, ठीक है, तो शोले से याद रखना केरला है, ठीक है। तो शोला अगर किसी भी नेशनल पार्क में आएगा, जैसे फर्स्ट वाला था और लास्ट के दो थे, तो शोला अगर किसी में भी आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो केरला वाला है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो है स्टेट वो है हमारा कर्नाटका, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट है ब्रूस बैनर, ठीक है, हल्क की बंदी को अंशकुंदन नगर से कर्नाटक ले गया और वहीं शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ब्रूस बैनर जो है जो कि हल्क, तो उसकी जो बंदी है
उसको अंश कोई बंदा है और अलग से, तो वो कुंदन नगर से जो है कर्नाटक ले गया और वहीं पर शिफ्ट हो गया। तो फर्स्ट यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है आपका बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बंदीपुर नेशनल पार्क, और जो कि बंदी से हो गया। फिर अंश से हो गया आपका अंशी नेशनल पार्क, उसके बाद कुंदन नगर से हो गया आपका कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर उसके बाद नगर से जो है वो आपका नागरहोल नेशनल पार्क हो गया। फिर अब बात करते हैं J&K की, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ के लिए स्टेटमेंट जो है वो है, जम्मू की हेमलता ने किश्त यानी कि कश्ती पे सवार होकर सलीम को फ्लाइंग डच मैन शिप पर जाने के लिए विदा किया, ठीक है। तो जम्मू की कोई हेमलता है, उसने क्या करा, कश्ती इज दैट मतलब जो नाव होती है आपकी बोट, ठीक है, तो उस पर सवार होकर सलीम को फ्लाइंग डच मैन शिप पर जाने के लिए विदा किया। तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है कौन कौन से, पहला है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस किससे हो गया आपका, हेमलता से, और कश्ती से जो किश्त लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद सलीम से आपका सलीम अली नेशनल पार्क हो गया। फिर डच से आपका डचीगाम नेशनल पार्क हो गया। फिर अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के लिए स्टेटमेंट जो है वो है, हिमाचल के इंदर ने सिम को पिन से निकाला और खीर गंगा में फेंक दिया, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंदर किला नेशनल पार्क, जो कि इंदर से हो गया। फिर सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि सेम से हो गया। पिन से आपका पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, और खीर गंगा से खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा। तो हरियाणा के लिए स्टेटमेंट है, हरियाणा के सुल्तान सलमान भाई बड़े कलाकार हैं, ठीक है। तो ये जो है कालेसर नेशनल पार्क, जो कि आपका कलाकार से हो गया, और सुल्तान से आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास गोवा। गोवा के लिए स्टेटमेंट है, गोवा में महावीर सिंह फोगाट की खुशी अनमोल है, ठीक है। तो महावीर सिंह फोगाट इज अ पर्सन, तो वहां पर जो है उनकी खुशी अनमोल है, दैट इज प्राइसलेस, ओके। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा, या नेशनल पार्क हो जाएगा, मौलम नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास गुजरात। गुजरात के लिए स्टेटमेंट है, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन ड्राइव करते हुए मरीन बीच पर गिर गई, ठीक है। तो वैसे तो कुछ सेंस नहीं बना, क्योंकि मरीन बीच कहीं और है और गुजरात के यहाँ पर बात चल रही है, लेकिन फिर भी गुजरात में मेरी ब्लैक वैन जो है ड्राइव करते हुए कहाँ पर गिर गई, मरीन बीच पर गिर गई। तो इसका जो नेशनल पार्क हो जाएगा वो फर्स्ट वाला ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि आपका ब्लैक वैन से हो गया, मतलब वैन से क्या हो गया, वांसदा नेशनल पार्क। उसके बाद मरीन से हो गया मरीन नेशनल पार्क, दैट इज गल्फ ऑफ कच्छ, एंड उसके बाद जो है गिर नेशनल पार्क। तो ये सभी गुजरात के हो गए। फिर यहाँ पर बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के स्टेट के लिए आपको जो स्टेटमेंट याद रखना है वो है, छत्तीसगढ़ की इंदिरा वीकली गुरुकुल घूमने कांगड़ी घाटी वैली जाती है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की कोई लड़की है सपोज इंदिरा, तो वो वीकली यानी कि हर हफ्ते जो है गुरुकुल घूमने जाती है, कहाँ पे, कांगड़ा घाटी वैली में। कांगड़ा घाटी मतलब वैली होता है, तो कांगड़ा वैली में जाती है। तो इसके जो नेशनल पार्क हो जाएंगे, फर्स्ट वाला क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि आपका इंदिरा से हो गया। फिर गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क, ये आपका गुरु से हो गया। और उसके बाद जो कांगड़ा घाटी है, तो उससे क्या हो गया, कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास असम। तो असम के लिए आपको जो स्टेटमेंट याद करना है वो मनस एंड डब्बू ईट्स ऑरेंज एंड सिंग्स कजरारे नेम का सॉन्ग इन असम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है इसका। तो मनस से मनस नेशनल पार्क हो गया, फिर डब्बू से डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ऑरेंज से ओरांग नेशनल पार्क हो गया, और कजरारे से आपका काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, और उसके बाद नेम जो आया था कजरारे नेम, तो यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण नाम का माली गार्डन में काम करता है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है नाम से आपका क्या होगा, नामदफा नेशनल पार्क, और माली से हो गया मौलिंग नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के लिए जो स्टेटमेंट याद करना है वो है, वेंकटेश ईट्स पपाया इन आंध्र प्रदेश। तो वेंकटेश से आपका हो गया श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, एंड पपाया से हो गया आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क। फिर हमारे पास कुछ वो भी हैं, क्या बोलते हैं, जो आपकी नाम भूल गया मैं इसका, अंडमान निकोबार आइलैंड जो आता है जिसमें, ठीक है। तो कोई नहीं, तो यहाँ पर जो है ये वाले भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं। हाँ, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, ठीक है, नाम दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे, जैसे पौंडीचेरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी नेशनल पार्क हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो याद करना ईजी है थोड़ा सा।
तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो इसके लिए है वो है आपका, माउंट हैरी टेक्स सैड रानी फ्रॉम झांसी टू गांधी गोला कैम्प इन नॉर्थ साउथ ऑफ मिडिल टू मेक हर हैप्पी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका, तो माउंट हैरी से यहाँ पर माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, सैड रानी से आपका सैडल पीक नेशनल पार्क, और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, और फिर गांधी से आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, फिर गोला से आपका जो है गोलाथिया नेशनल पार्क हो गया, कैंप से जो है वो कैंपबेल बे नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, और उसके बाद नॉर्थ से जो है यहाँ पर नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, और साउथ से जो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, और उसके बाद मिडल से जो है आपका क्या हो जाएगा, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। क्लियर है, तो ये जो थे आपके सभी स्टेट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है आपका यूनियन टेरिटरी, तो इन सभी के जो हमने नेशनल पार्क यहाँ पर देख लिए। अब अगर आपने अभी तक सपोज इसको नहीं लिखा तो आप जो है एक बार वीडियो देख के दोबारा से धीरे धीरे इसको लिख सकते हो, सुनते सुनते लिखोगे तो जल्दी आ जाओगा। ठीक है, और एक बार लिखने के बाद जो है आप 3-4 बार इसको रिवाइज कर लो सुबह उठकर, तो आपको ये सभी जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अभी हमने 29 याद करे, तो आप क्या कर सकते हो, आप 6 स्टेट्स के जो है नेशनल पार्क एक बार में याद कर सकते हो, 6 के एक बार में याद करो, फिर नेक्स्ट 6 के एक बार में करो, फिर नेक्स्ट 6 के एक बार में करो, तो 5 बार में ऐसे जो है वो आपके सभी याद हो जाएंगे, और उसको बार बार जो है वॉक करते हुए कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए मैंने आपको टॉपिक करवा दिया, एंड यहाँ पर आपको याद करने में भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे कर सकते हो। अब ये है कि अगर आप 29 में से सपोज अगर 20 के भी याद कर लोगे, 20 स्टेट्स के भी याद कर लोगे, या सपोज 15-16 के भी कर लोगे, तब भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। मतलब याद सभी कर रहे हो लेकिन 15-20 तक के भी याद रहेगा ना, तब भी आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा तो उसको भी देख लेना, बीच बीच में मैं इसी तरीके से आपके पार्ट जो है जेके क्वेश्चन के वो डालता रहूंगा। क्लियर है, तो इसको जल्दी से याद कर लो, बाकी जिसने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे, प्लेलिस्ट का जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।